हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और जो केमिस्ट्री में जो आज का जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, दैट इज ए सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट है स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की हम जो लेक्चर में दे रहा हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट में आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ होती है यानी कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट की जो क्वांटिटी है जो डालते हैं, तो सोल्यूट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की जो है आपकी स्ट्रेंथ बनती है या कंसंट्रेशन बनता है। अब ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। फर्स्ट है जैसे कि मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज जैसे कि मास से ही लग रहा है कि सोल्यूट का मास अपॉन सॉल्वेंट सोल्यूशन का मास, देखिए ये है ना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का मास कितना है और उसमें जो पड़ा हुआ सोल्यूट है उसका मास, तो सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इसका रेशियो, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, इंटू 100। तो यानी मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ये जो हमारा फॉर्मूला था ये मास परसेंटेज का होता है, जैसे सिंपल सा आप देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 के अलावा हम ये भी कहते हैं मास ऑफ सोल्यूशन में क्या है, क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों होते हैं, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए ये भी कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को टोटल, उसी को हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, सिंपल सी चीज है। एक और फॉर्मूला स्टूडेंट ये है कि मास परसेंटेज है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन, अब जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन है, किसी चीज का मास जो है वॉल्यूम और डेंसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस इनटू, ये इनटू लिखा हुआ स्टूडेंट, इट इज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, डेंसिटी यानी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे सॉल्यूशन के, तो यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी हमने तीन फॉर्मूले बताए थे, पहले है मास परसेंटेज मास सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है मास परसेंटेज और मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास सॉल्यूट प्लस मास सॉल्वेंट, तीसरा है मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट इसी ध्यान रखिएगा, ये जो मास परसेंटेज है मास परसेंटेज वो ही निकलता है जब सॉल्यूट हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो और साथ में सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में हो तो हम लोग मास परसेंटेज आराम से निकाल सकते, इट इज वेरी। और इसी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो मास परसेंटेज है ये इंडस्ट्रियल यूजेज में बहुत होता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री में जो है केमिकल फैक्ट्रीज होती है वहां पर इनका यूजेज बहुत है, इस फॉर्मूले का यूजेज बहुत होता है। अगला जो है दैट इज अ वॉल्यूम परसेंटेज, स्टूडेंट बताए इसमें दोनों को वॉल्यूम लिया जाता है, सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इनटू 100 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम का रेशियो को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम परसेंटेज हमको, इसको V/V से दिखाया जाता है। और इसमें इसे ध्यान रखें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस या लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, ध्यान रखें इसमें सॉलिड में ये काम नहीं करेगा, इट इज नॉट वर्किंग इन द सॉलिड, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर ये लोग उसमें है आपके सॉलिड है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये केवल गैस और लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तीसरा जो मैं बताना दैट इज मास वॉल्यूम, देखिए आप जैसे लग रहे मास ये सॉल्यूट का है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका परसेंट W अपॉन V से दिखाते हैं स्टूडेंट, तो इसे मास अपॉन वॉल्यूम जो परसेंटेज है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में ले लिया या लीटर में ले लिया, और ये मास ऑफ सॉल्यूट हमने ग्राम में ले लिया, तो जो भी ये जो हमारा कंसंट्रेशन बनता है ये मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। और ये इसमें इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है सॉल्यूट, लेकिन जब सॉल्वेंट है केवल लिक्विड और गैस फॉर्म में होगा, ये चीज ध्यान रखना, सॉल्वेंट कभी भी सॉलिड नहीं होगा तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये चीज है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड या गैस फॉर्म में होना चाहिए। और स्टूडेंट इसका जो मास पर वॉल्यूम ये जो परसेंटेज है इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग बायोलॉजिकल या मेडिकल जो यूजेस है वहां पे बहुत ज्यादा होता है। अगला मैं स्टूडेंट जो आपको बताना चाह रहा, देखिए जब कंसंट्रेशन अल्टीमेटली बहुत ही कम हो, यानी किसी सॉल्वेंट में बहुत ही माइनूटली ट्रेसेस में देखिए यहां देखा ना ट्रेसेस में अगर सॉल्यूट पड़ा हो, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, बहुत कम हो, तब हम लोग ppm यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ppm, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो इसके हमने चार फॉर्मूले आपको मैं दे रहा हूं स्टूडेंट, इसे ध्यान से देख लीजिए। पहला ppm का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने देख लिया, जैसे ये पहला वाला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, बस इसमें 10^6 लगा देते हैं, यहाँ 10^2 आप देखिए 2 है यानी 100 है, यहाँ 10^6 है, तो ये वेट अपॉन वेट से हमने पार्ट्स ppm निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूशन का मास का रेशियो और इनटू 10^6 कर देंगे तो यू विल गेट द ppm।
अगला है अगर मास सॉल्यूट या वॉल्यूम सॉल्यूशन दे रखा, देखिए ये ना ये जो हमने तीसरा था ये वाला दिस वाला, तो अगर ये दिया तो इसको 10^6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये ppm वाला वर्ड हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10^6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि आप ppm से मतलब समझिए कि मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख या 1 मिलियन, ऐसी तीसरा है ppm का वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी v अपॉन v रेशियो, और इनटू 10^6 यानी कि ppm वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इनटू 10^6 डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये जो हमारा फॉर्मूला इसे हम लोग ppm निकाल सकते हैं इससे भी। एक और है स्टूडेंट, मैं आपको चौथा वाला भी बता दे रहा हूं कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है इसके सॉल्यूशन के और सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनटू 10^6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो यानी कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन इन दोनों के नंबर के जो मोल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनका जो रेशियो उसको अगर 10^6 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट द ppm, ये निकल आए। तो स्टूडेंट आपको ये एक चीज और बताते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने ppm का नाम तो सुना है लेकिन ppb भी होता है और ppt भी होता है, ppt को प्रेसिपिटेट मत समझिएगा आप लोग जैसे जनरली केमिस्ट्री में बोलते हैं, नहीं ppt भी होता है ppb भी होता है, ये भी कंसंट्रेशन का है बहुत ट्रेसेस में, जब 1 बिलियन सॉल्यूशन के यानी 1 बिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में केवल एक पार्ट जो है किसके सॉल्यूट को होता है, तो दैट इज कॉल्ड ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, क्या कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन, ओके। और ऐसे ppt होते हैं ये पार्ट्स पर ट्रिलियंस, क्या बोला है पार्ट्स पर ट्रिलियन, यानी कि 1 ट्रिलियन अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 1 पार्ट क्या होगा सॉल्यूट का होगा, सोचिए कितना माइनॉरिटी है, बहुत ही अल्ट्रा डाइल्यूट वाली कंसंट्रेशन वाला ये सॉल्यूशन है, तो ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा ट्रेसेस फॉर्म में है। तो ये ppm आपको तो पता ही चल गया, ppb भी होता है और ppt भी होता है, तो इट इज ppb पार्ट्स पर बिलियन और ppt स्टैंड फॉर पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये होता है, तो यानी कि ट्रिलियन में है ये बिलियन में और ये मिलियन में, ये तीनों आपको समझ आया। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और स्टूडेंट ये नोट्स इसके जरूर बनाना चालू कर दीजिए आप लोग, बहुत से स्टूडेंट जो है मुझसे कंसल्ट करते हैं, मैं उनको एडवाइस भी दे रहा हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा मेरे सारे वीडियोज है बिल्कुल सिस्टमेटिक क्लास वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने दोनों दे रखे, तो आप लोग उसके नोट्स बना लीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।